हेलो फ्रेंड्स, जब भी शेयर मार्केट में रिटर्न की बात आती है तो वॉरेन बफी का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे कैसे पर्सन की जिन्होंने शेयर मार्केट में रिटर्न के मामले में बफी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये है जिम सिमोंस, जिन्होंने 66% एनुअल कंपाउंड रिटर्न दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये एक दो साल का कोइंसिडेंस है, बल्कि 1998 से लगातार उन्होंने इस रिटर्न को बनाकर रखा हुआ है। सिमोंस की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा रूल है रिमूव ऑल इमोशन। सिमोंस ने अपनी $23 बिलियन की फॉर्च्यून कूल इन्वेस्टिंग अप्रोच से पाई है, इसलिए वो आज पूरी दुनिया में 21st richest person है। तो इस वीडियो में बात करेंगे उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आखिर क्या है, जिससे वो लगातार 23 सालों से 66% एनुअल कंपाउंड रिटर्न कमा रहे हैं, और वॉरेन बफे 21% का रिटर्न कमाकर भी उनसे ज्यादा अमीर कैसे हैं। लेकिन दोस्तों, पहले सबसे काम की बात, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका केवल इंट्राडे ट्रेड में ब्रोकरेज लगेगा, वो भी मैक्सिमम ₹20। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम सिमोंस का जन्म 1938 में अमेरिका के ब्रुकलाइन शहर में हुआ। उन्हें अर्ली एज में ही ये पता लग गया था कि वो मैथमेटिक्स को बहुत पसंद करते हैं। 14 साल की एज में सिमोंस ने गार्डन सप्लाई स्टोर में स्टॉक बॉय की नौकरी करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ उनकी कमजोर मेमोरी के कारण उन्हें स्टॉक बॉय से स्वीपर बना दिया गया। लेकिन वो इससे निराश ना होकर अपना काम अच्छे से करते रहे। उनका ड्रीम था कि वो अमेरिका की बेस्ट यूनिवर्सिटी MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैथमेटिशियन बने। 17 साल की एज में ही उन्होंने अपना सपना पूरा किया जब उन्हें MIT में एडमिशन मिल गया। यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद 23 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट इन मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1964 और 1968 के बीच MIT और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ाई। 1968 में वो स्टोनी ब्रूक यूनिवर्सिटी में मैथ डिपार्टमेंट के चेयरमैन बन गए। जेम्स सिमोंस की हमेशा से ही फाइनेंस में रुचि रही थी, और 1970 के दशक के दौरान उन्होंने सीरियसली अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचना शुरू किया। 1978 में उन्होंने एकेडमिक्स को छोड़ दिया और एक हेज फंड का मैनेजमेंट शुरू किया, जिसका नाम मोनोमेट्रिक्स था। कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया और कंपनी के द्वारा डेवलप्ड मैथमेटिकल मॉडल्स ने हर साल बेहतर रिजल्ट दिए। सिमोंस ने 1982 में मोनोमेट्रिक्स का नाम बदलकर रेनेसांस टेक्नोलॉजीज रख लिया। शुरुआत में उनको ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन 1990 के बाद उनको मिलने वाला रिटर्न बहुत तेजी से बढ़ने लगा। 1982 में रेनेसांस की मेडालियन फंड ने 8.8% का रिटर्न दिया, 1989 में 4.1%, लेकिन 1990 में 56% का रिटर्न दिया। ये चमत्कार कैसे हुआ, इसे समझते हैं। शुरुआत में उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम किया, लेकिन कुछ रिसर्च के बाद उन्हें ट्रेडिंग का तरीका पता लग गया। 1990 के बाद उन्होंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर फोकस किया। 1998 के बाद उन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के जरिए ट्रेड में एंटर होना शुरू कर दिया। सिमोंस अपने फंड में प्रोग्रामर्स, मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट, क्रिप्टोग्राफर्स और साइंटिस्ट को जॉब पर रखना शुरू किया। इन साइंटिस्ट द्वारा डेवलप किए गए मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ने कंपनी को बहुत ज्यादा रिटर्न कमा कर दिए। कंपनी का ये मॉडल काम कर गया। मेडालियन फंड ने 1994 से 2014 के बीच 20 सालों में 71.8% के एनुअल रिटर्न से $100 बिलियन से ज्यादा कमाई की। इसके चलते इस फंड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और अमाउंट भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, इसलिए कंपनी ने 1994 से 1995 में बाहर के इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर दिए, और ये फंड अब कंपनी के एम्प्लॉयज और फैमिली मेंबर्स के लिए ओपन है। उनकी इस नई तकनीक का नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड, इसे क्वांट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। इसमें मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और शेयर प्राइस, कमोडिटी और करेंसी का अगला ट्रेंड पता किया जाता है। इसके लिए कंपनी बहुत सारा पैसा खर्च भी करती है। इसके बाद डेटा को रिफाइन किया जाता है, और उसके बाद मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स उस पर अप्लाई किए जाते हैं, और पता किया जाता है कि मार्केट में कहां कहां इनएफिशिएंसी हो सकती है और कौन कौन से पैटर्न का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में आई किताब द मैन हु सोल्ड द मार्केट में बताया गया कि कैसे सिमोंस ने निवेश की दुनिया में सफल करियर बनाया है। इस किताब के लेखक वॉल स्ट्रीट जर्नल के ग्रिगोरी जगमैन हैं। जगमैन ने 1978 में करेंसी में निवेश से धंधा शुरू किया था। इस बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो इस पैटर्न को समझाते हैं। मेडालियन फंड के मैथमेटिकल मॉडल्स ने एक बार ये पता किया कि जब जब न्यूयॉर्क में धूप ज्यादा होती है, तब तक मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट के नीचे आने के चांस कम रहते हैं, लेकिन जिस दिन न्यूयॉर्क में वेदर थोड़ा क्लाउडी रहता है, उस दिन मार्केट नीचे आने के चांस ज्यादा रहते हैं।
सेम चीज उन्होंने अलग अलग सिटीज में पाई, जैसे कि पेरिस में भी। जब पेरिस में ज्यादा धूप खिली होती है तब मार्केट ज्यादा ऊपर जाने लगता है, वहीं जब पेरिस में क्लाउडी एटमॉस्फेयर रहता था तो मार्केट के नीचे आने के चांस थोड़े ज्यादा रहते थे। उन्होंने ये भी देखा कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा है और इस मॉडल को उन्होंने यूज करना शुरू किया और इसके बेस पर उन्होंने ट्रेड भी किए जिससे उन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिला। कुछ साल बाद इस स्ट्रैटेजी से पैसा बनाने के बाद पता चला कि ये स्ट्रैटेजी ज्यादा काम नहीं कर रही है, तो फिर उन्होंने तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और नई स्ट्रैटेजी अप्लाई की। इस तरह की वो अलग अलग स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं डेटा पर, अलग अलग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्लाई करके। उनकी एक और क्वांट ट्रेडिंग का एग्जांपल समझते हैं। उन्होंने पाया जब अमेरिका की फुटबॉल टीम कोई मैच जीतती है तो मार्केट ऊपर जाता है। इसी तरह की स्ट्रैटेजी हमें मात्र संयोग लग सकती है, लेकिन ऐसी तकनीक का यूज करके उन्होंने बहुत पैसा कमाया। रेनेसांस टेक्नोलॉजी इस चीज पर फोकस करती है कि उनकी ये स्ट्रैटेजी बाहर ना आए। वो अपने एम्प्लॉई से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं ताकि वो स्ट्रैटेजी कहीं बाहर लीक ना कर दें। अब ये जानते हैं कि वॉरेन बफे से ज्यादा रिटर्न कमाने के बावजूद भी जिम सिमोंस दौलत के मामले में उनसे पीछे क्यों हैं। बफे जब 11 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। आज बफे 90 साल के हैं। बफे जब 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $1 मिलियन थी। इस हिसाब से देखें तो बफे बहुत लंबे टाइम में यानी 60 से 70 साल से 21 यानी कि 21% एनुअली कंपाउंडेड रिटर्न हासिल किया है। वहीं अगर जिम सिमोंस की बात करेंगे तो 66% रिटर्न 1998 से यानी कि 20 से 22 साल से हासिल किया है। एक अनुमान के अनुसार अगर जिम सिमोंस 70 सालों में 66% रिटर्न कमाते हैं तो उनकी वेल्थ करोड़ों अरबों खरबों रुपए में होगी। इसे तो मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको समझ आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जिम सिमोंस कहते हैं कि दुनिया में बच्चों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं आज हर चीज मैथमेटिक्स पर आधारित है। हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल मोबाइल फोन का करते हैं, इसका एल्गोरिथम भी मैथमेटिक्स की मदद से ही बना हुआ है। इकोनॉमिक के लिए भी मैथमेटिक्स जरूरी है। आज की तारीख में अच्छा डॉक्टर बनने के लिए भी आपको मैथमेटिक्स की जरूरत है, क्योंकि अब चीजें ज्यादा मात्रा आधारित हो गई है। तो दोस्तों बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर @effortlessgk को जरूर फॉलो करें और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।